एक ब्रेक के बाद टाइगर श्रॉफ लौट आए हैं गणपत पार्ट वन के साथ में। टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म गणपत, जिसमें अमिताभ बच्चन और कृति सैनन लीड रोल पर मिलेंगे आपको, उसका ट्रेलर आ चुका है। ये फिल्म पहले दिसंबर 2022 में आने वाली थी, बट वो पोस्टपोन होके 2023 दशहरा में हो गई है, यानी कि अक्टूबर दिस मंथ। और इसमें बताया गया है कि 2070 यानी कि फ्यूचरिस्टिक साइंटिफिक फिक्शन एक्शन फिल्म होने वाली है। अभी इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि इन्होंने ट्रेलर में दिखा तो दिया है कि फ्यूचर के बारे में एनिमेशन और VFX अगर हम देखें तो जहाँ तक कि अभी ट्रेलर के हिसाब से अच्छा है, बट वो जो समझाना चाह रहे, जो बताना चाह रहे हैं, वो लोगों तक अच्छे से पहुंचा रहे कि नहीं, वो डायलॉग डिलीवरी देखना। अगर वो चीज़ इसमें पाई गई तो फिर भाई हॉलीवुड को बीट करने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि हम कहीं ना कहीं उस लेवल तक पहुँच जाएंगे कि जिस तरीके से हम भागा मारी करते हैं कि हॉलीवुड वाले जैसे बॉलीवुड में नहीं हो पाता है, जो नैया डूबने वाले थी, अब कहीं ना कहीं ये लोग भी सीख चुके हैं कि ऑडियंस है, उनको कुछ अलग देने का और डिलीवर करने का वक्त आ गया है। ट्रेलर में तो डायलॉग ज़्यादा है नहीं, सिर्फ टाइगर श्रॉफ का एक डायलॉग बताया गया है और एक अमिताभ बच्चन का। उसमें एक जगह है जहाँ पर लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया है, लोग हार चुके हैं, टूट चुके हैं, फिर भी वहाँ के जो गुरु है अमिताभ बच्चन, वो एक उम्मीद जगा रहे हैं लोगों में कि हमारा योद्धा आएगा और हमें यहाँ से निकालेगा। इसमें ट्रेलर में ये भी दिखाया है कि एक्शन, रोमांस एंड डांस और एंटरटेनमेंट फुल होने वाली है, बट मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि इसमें कितनी आग मची है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये वीडियो साफ सुथरा है तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय दोस्तों।